कड़कड़ाती ठंड और बारिश के बीच राजस्व विभाग ने कांटाफोर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम इकलेरा में आवासीय अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। गुरुवार को की गई इस कार्रवाई के बाद अब ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। लगभग 30 वर्षों से तेर सिंह व गफ्फार सिंह अपने परिवार के साथ घर बनाकर इस भूमि पर रह रहे थे। लगभग 10 दिन पूर्व इन दोनों परिवारों को राजस्व विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाने का पहला नोटिस दिया गया था। वहीं गुरुवार की सुबह दूसरा नोटिस देकर उसी दिन दोपहर 1 बजे के करीब इनके आशियाने को तोड़ना शुरू किया गया। दोनों परिवारों में से एक परिवार के मकान को जेसीबी की सहायता से हटा दिया गया तो वहीं दूसरे परिवार में कोई पुरुष न होने के चलते देर शाम कार्रवाई की गई। कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को सैकड़ों ग्रामवासियों के साथ दोनों परिवार सतवास तहसील ऑफिस व कांटाफोर थाने पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की। कल ग्राम इकलेरा में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा एक आदिवासी परिवार और एक मुस्लिम परिवार जो ग्राम इकलेरा में 30 वर्षों से निवासरत है, उनका मकान तोड़ने के लिए गए हैं और उन लोगों के पास निजी एक डिसमिल भी जमीन नहीं है। ऐसे में अलर्ट जारी है, कड़कड़ाती ठंड है, अगर उनका आशियाना नष्ट कर दिया जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? और अगर इन लोगों के ऊपर से छत हट गई और कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आ गई और इनकी जान या माल की हानि हो गई तो उसका जवाबदार कौन होगा? एक और तो शिवराज सरकार डिंडोरा पीटती आदिवासियों के नाम पर, एक और उनके बने बनाए मकान को बुलडोजर चलवा रही है। इस प्रकार का अन्याय हम सहन नहीं करेंगे, हम इन लोगों को न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। इसीलिए पूरे गांव वाले यहां पर एकत्रित होकर आए हैं। अगर ये लोग दोषी होते तो 500 लोग इनके साथ में यहां पे नहीं आते। अगर इसी प्रकार रवैया रहा तो हम आंदोलन भी करेंगे, धरना भी देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। लेकिन इस शीतलहर व बारिश की आशंका के बीच गरीब परिवार के आशियाने को उजाड़ना राजस्व विभाग को कटघरे में लाकर खड़ा करता है। मृदुभाषी के लिए कांटाफोर से प्रिंस भाटिया की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।